गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार फ्रॉम गुरुकुल स्कूल्स। आज मैं फिर क्लास फोर का सब्जेक्ट मैथ का वीडियो नंबर थ्री लेकर के आया हूँ। वीडियो नंबर थ्री में मैं सबसे पहले आप लोग को क्लास फोर का मैथ का वीडियो नंबर टू का जो आप लोग को होमवर्क दिए थे उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क का कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग यूज ईच ऑफ द गिवेन डिजिट ओनली वंस टू फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि जो क्वेश्चन था डिजिट में दिए थे और आप लोगों को उस संख्या से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था 3926। 3926 से लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? आंसर आपका है 9632 और स्मॉलेस्ट नंबर 2369। क्वेश्चन नंबर बी था 8015। 8015 से लार्जेस्ट नंबर 8510 बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर 1058 बनेगा। क्वेश्चन नंबर सी था 8253। 8253 से लार्जेस्ट नंबर 8532 बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर 2358 बनेगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो दिया था आप लोग को वो ध्यान दीजिए। राइट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर लेस और इक्वल इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कि बड़ा और छोटा का आप लोग को साइन देना था। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था 2487 बॉक्सेज 8742, ये दोनों में कौन बड़ा है? तो देखा जाए तो दोनों 44 डिजिट का है। इसमें ये 2000 है, ये 8000 है, यानी कि 8000 बड़ा है, यानी कि 8742 बड़ा है। बी नंबर में 2045 बॉक्स 2405, ये दोनों में यदि मैं कंपेयर करूं तो 2000 2000 अभी तक दोनों इक्वल है, 04 ये 4 बड़ा हो गया, यानी कि मुझे आगे चेक ही नहीं करना है। 2405 ये बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखा जाए 8110 बॉक्स 1810, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट है 8000 और बॉक्स के बाद है 1000, यानी कि 8000 बड़ा है, यानी कि 8110 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन है 2007 और बॉक्स 7002, ये सिंपल क्वेश्चन है, 2000 है और ये बॉक्स के बाद जो है वो 7000 है, तो ये सिंपल है कि 2000 से 7000 बड़ा है, यानी कि 7002 बड़ा है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर मेरा थ्री था आप लोग का, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन एसेंडिंग ऑर्डर। जो क्वेश्चन है उसको एसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना था, लिखना था, यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन 1413, 2948, 6742, 2541 एंड 2100 क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे सबको कंपेयर किया जाए तो ये 1000 2000 6000 2000 2000, यानी कि सबसे छोटा 1000 है, यानी कि 1413 पहले हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए 2000 2000 2000, तीनों में कंपेयर किया जाए तो ये 2900 है, 2500 है एंड 2100 है, यानी कि सेकेंड नंबर में 2100 हो जाएगा, यानी कि 2100 2100। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2541, 2948, 6742, ये एक आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर बी देखा जाए, क्वेश्चन 6116, 9616, 3116, 2213, 9714, इसका आंसर देखा जाए तो सबसे छोटा है इसमें से
2213। सबसे पहले वो लिख देंगे, उसके बाद 3116, उसके बाद 6116, उसके बाद 9616 एंड लास्ट में 9714। अब आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन सोल्व जो आप लोगों को वीडियो नंबर 2 का था ये खत्म हुआ। धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।